मन में प्रश्न उठता है कि अगर अमेठी के नागरिक, अमेठी की जनता, तिलोई के नगरवासी इतना प्रेम देते हैं, तब भी राहुल गांधी आपके मध्य में क्यों पधारते नहीं? अगर अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है ताकि विकास हर घर तक पहुंचे, ऐसे वातावरण में क्यों कांग्रेस के नेता आपके साथ को त्याग देते हैं? आज मेरे पीछे जय प्रकाश जी ने जय श्री राम का जय घोष किया। रामलला की अगर चर्चा की जाए तो उन्होंने विश्व में प्रमाणित कर दिया है कि संस्कार के पथ पर चलने में कठिनाइयां जरूर होती हैं, सत्य परेशान जरूर किया जाता है, लेकिन अंतोगत्वा सत्य कभी पराजित नहीं होता। और अमेठी का सत्य ये कि 15 साल से एक लापता सांसद को अमेठी लोकसभा क्षेत्र तलाश रही है। अगर लोकसभा के चुनाव में गौरीगंज मुख्यालय में आकर पर्चा भरना अनिवार्य न होता तो शायद कांग्रेस के नेता तब दर्शन न देते। आज आप सबके मध्य में आई हूं, इस मंच से पूछती हूं, कांग्रेस के प्रत्याशी क्या आपके मध्य में आए? कभी आपकी सुधबुध ली? कभी उन्होंने आपके जीवन के संघर्षों में सहायता की? अरे जो दिखता नहीं आपके मध्य में, उसको वोट देकर क्या फायदा? फिर मैंने सोचा शायद अमेठी में दिखे नहीं तो कम से कम अमेठी के बारे में संसद में बोलेंगे जरूर। लेकिन मैं चुनौती देकर आज कहती हूँ कि अगर 5 साल के उनके संसदीय कार्य को कोई देखे तो पता चलेगा संसद जाते ही नहीं थे ज्यादा, और जब जाते थे तो अमेठी के बारे में एक बार एक शब्द नहीं बोला। जो यहाँ दिखाई ना दे वहां सुनाई ना दे, ऐसे व्यक्ति को वोट देकर क्या फायदा? और यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, राकेश बैठे हैं, भवानी दीक्षित बैठे हैं, मैं जानती हूँ इनका गणित बहुत अच्छा है, आप सबका बहुत अच्छा गणित होगा। मुझे बतलाइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 है। कांग्रेस कितने पे लड़ रही है? कांग्रेस लड़ रही है लगभग 20 सीटों पे। इसका मतलब कांग्रेस के नेता स्वयं स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लड़ने का मादा दम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। नेता को वोट मिला उनके
रात का अंधेरा तलाशते रहे, खुले में शौच करते रहे। पूछिए यहां पर जितने भाई उपस्थित हैं, घर की बहू बेटियों को अंधेरा तलाशना पड़ा, गाड़ी की लाइट अगर पड़ती तो मुंह ढांकना पड़ा, और कांग्रेस के नेता का दिल एक बार भी गरीब परिवार के लिए नहीं पसीजा। ये तो मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया था कि अमेठी में भी बदलाव करेंगे, और 2 लाख पहली बार अमेठी के गरीब परिवारों में इज्जत घर बना। मोदी और योगी स्वयं गरीब परिवारों से हैं और जानते हैं कि महिला का सम्मान किस में है। वो सम्मान उन्होंने गरीब परिवार की बहनों को दिलवाया है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस बात का प्रमाण है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में तिलोई में तो राजा साहब बता सकते हैं, के सिंह जी बता सकते हैं, राकेश जी बता सकते हैं। वक्त ऐसा था जब कांग्रेस के नेता गैस सिलेंडर का कूपन की दलाली किया करते थे, और आज मोदी के राज में 1.5 लाख गरीब परिवारों के घर में पहली बार सिलेंडर पहुंचा है। आयुष्मान भारत की सौगात मिली अमेठी को। गरीब परिवार में जब कोई महिला बीमार होती तो अपने घर परिवार को कहती दवा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जानती उसके पति की जेब में पैसा नहीं। कोई बुजुर्ग होता गरीब परिवार में बीमार पड़ता तो कभी कुछ ना कहता, क्योंकि जानता कि उसके बेटे की जेब में पैसा नहीं। नरेंद्र मोदी ने ये जानते हुए कि परिवारों को स्वास्थ्य खराब हो तो संरक्षण की जरूरत है, आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और प्रत्येक गरीब परिवार को अमेठी में 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज सुनिश्चित करवाया।